नमस्कार। हम विकास की जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ कई सारी खामियाँ भी आ रही हैं। अब पता नहीं विकास का नकारात्मक पहलू है या विकास के साथ ऐसा होता ही है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आ रहा है वह बहुत ही भयावह है। अपने ही घर में, अपने ही स्कूल में, अपने आस पड़ोस में बच्चियाँ और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अपने सगे संबंधियों से भी भय लगता है, और अगर आंकड़े को माने तो हर तीसरी बच्ची में से एक बच्ची के साथ सेक्सुअल एब्यूज की घटना घट जाती है। हर कोई बच्चे से प्यार करता है, स्नेह करता है, प्रेम करता है, लेकिन स्नेह प्रेम के साथ साथ जब सेक्सुअल हरकत होती है तो ऐसा नहीं कि बच्ची नहीं समझती, हो सकता है कुछ मामलों में बच्ची नहीं समझती हो और वो मानती हो कि पिता हैं, चाचा हैं, मामा हैं, भैया हैं, चचेरे भाई हैं, तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे होंगे। लेकिन अब लगता है कि उनको यह ज्ञान देना चाहिए कि अगर शरीर के कोई खास हिस्से को छूता है इसका मतलब कि उसको टोकना होगा, रोकना होगा, तभी बेहतर होगा। आज हम इसी पर बात करेंगे और टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन। हिंदी तो बहुत टफ है तो हिंदी को छोड़ देते हैं फिलहाल, हिंदी को ले आएंगे बीच बीच में बातचीत से आपको समझाने के लिए। यानी कि जो लैंगिक पूर्वाग्रह ग्रहीकरण है उसको कैसे हम समझें, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के उन लोगों का परिचय कराते हैं, फिर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। फिर बच्चों से भी बात करेंगे, उन्होंने जो झेला है या उन्हें जो डर लगता है, क्यों डर लगता है, किससे डर लगता है। आइए परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं रेशमा सिंह, जो आली नाम की संस्था है, बच्चों के वैदिक अधिकार के लिए काम करते हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजेश सिंह जी, जो अपर सचिव हैं चाइल्ड वेलफेयर के, आपका भी स्वागत है राजेश जी। हमारे साथ है सोनम बिश्नोई, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं अनंग देव सिंह, डॉक्टर अनंग देव सिंह, जो वर्ल्ड विजन के राज्य प्रमुख हैं। हमारे साथ हैं वीना अंजना लकड़ा जी, जो यही गवर्नमेंट स्कूल में प्राचार्य हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रियंका मिश्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सबका स्वागत है, सबको जोहार, सबको नमस्कार। राजेश जी के पास मैं सबसे बाद में जाऊंगा, चूंकि आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए रेशमा जी आप ही से मैं बात करता हूँ। आप जो फील्ड में आई तो आपने क्या अनुभव किया इस मामले में, खास करके योनिगत हिंसा या योनिगत अप्रोच जो होता है लैंगिक इस मामले में, और बच्ची जो आंकड़े हैं वो तो बहुत भयावह हैं, लेकिन वो आंकड़े सैंपल सर्वे पर होते हैं और उन आंकड़ों से जितना आदमी भयभीत होता है उतने खतरे बढ़ जाते हैं कि समाज असुरक्षित हो गया है कम्प्लीटली। तो ये मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ इसलिए मैं स्वीकारता नहीं हूँ आंकड़े, चूंकि 12 से आपने बात की और उस पर आपने प्रतिशत निकाल दिया, फिर भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। आपके जो अपने अनुभव रहे हैं वो बताएं। जैसे कि मैं इस सेक्टर में 2003 से काम कर रही हूँ और ये कहना अभी मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ घटनाएं हमारे अनुभव के अनुसार लगातार होती रही हैं। बात ये है, फ़र्क ये हो गई कि पहले ये इतने खबर में नहीं आती थी, अब वो खबर में आने लगी है। यानी कि लड़कियां लड़के बोलने लगे, बच्चे बोलने लगे। अब हाँ, बच्चे बोल रहे हैं और बच्चे के परिवार भी जो हैं वो थोड़े जागरूक हुए हैं मीडिया के सहयोग से, या फिर अदर जो एनजीओ काम कर रहे हैं या सरकार जो काम कर रही है उस आधार से लोगों में जानकारी आई है कि अगर किसी बच्चे के साथ यौनिक घटना घटी, यौनिक हिंसा की घटना घटी, तो या तो पुलिस के खुद के पास जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, या कोई अपने परिचित हैं जैसे 1098 है उसके थ्रू लोग कंप्लेन करते हैं। तो इससे बहुत मामले हमें सामने अब दिखने लगे हैं और लगातार, मतलब बच्चों के साथ शारीरिक यौनिक हर तरीके की हिंसा हम हमेशा से देखे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि परिवार के बीच में, तो आप सही बात है, बहुत लोग डेटा नहीं मानते हैं, लेकिन झारखंड की डेटा देखें तो 64% सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस जो हैं वो फैमिली मेंबर्स के थ्रू हो रहे हैं। अपरिचित की बात हम छोड़ दें, वो जो परिवार के सदस्य, जो भाई, चाचा, मामा, चाहे किसी भी तरीके से रिश्तेदार हैं हमारे, उनके द्वारा बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं इन दिनों, जो मुझे लग रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि जैसे आज एक ये हमारा तरीका है कि हम बच्चों तक और बच्चों के परिवार तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि लोग जानेंगे कि अगर ऐसी घटना है तो ये भी पहचान भी करना कि कौन सी सेक्सुअल असॉल्ट है, क्या गुड टच है और क्या बैड टच है,
इसमें फ़र्क पहचान करके अगर उनको ये लगता है कि उनके साथ किन्होंने किसी ने गलत करने की कोशिश की है तो उसकी कंप्लेंट कर सकें। बिना जी से थोड़ी बात करते हैं, बिना जी आप तो स्कूल में हैं तो आपके पास इस तरह कंप्लेंट्स आते हैं क्या बच्चियों की तरफ से? इस तरह के कंप्लेंट तो नहीं आए हैं अभी तक हमारे विद्यालय में, लेकिन हम लोग पहले से ही हमारी जो व्यवस्था है उसके तहत हम लोग, चूँकि हम गर्ल्स स्कूल में हैं, हमारी बच्चियाँ आवासीय हैं, वहीं रहती हैं, तो उसके लिए व्यवस्था है विभाग की ओर से ही कि वहाँ प्रिंसिपल को रहना है, वार्डन एक रहना है, नाइट गार्ड है, और दिन के लिए भी एक गार्ड हमारे पास है। तो हम लोग इस तरह से, और फिर हम लोग अपनी व्यवस्था करते हैं जिसमें कि जब भी बच्चों से मिलने के लिए हम लोग गार्जियन को देते हैं तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि माता पिता ही आएँ। उसके बाद अगर तीसरा नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो लोकल गार्जियन में भी ओन अगर ब्रदर है, सिस्टर है, या इतना भेद करेंगे तो ये समाज नहीं चलेगा, इतना विश्वास से बात नहीं बनेगा। अगर अगर वो जान रहा है, जान रही है कि आप उसका भाई है, घटनाएं घट रही हैं, उसके बावजूद समाज को जीने के लिए उम्मीद तो चाहिए जी। लेकिन कम्प्लीटली आप भरोसा ही कर देंगे नहीं, माता पिता के अलावा किसी को नहीं मिलने देंगे, तो ये खतरा तो है। हाँ, तो ये खतरा अगर है तो इस खतरे का रिस्क भी उठाना पड़ेगा, कैसे आप मिलने दें ताकि पता चले। और लड़की आपकी इतनी भोकल हो जहाँ पढ़ा रही हैं कि उसको गुड टच बैड टच के बारे में पता हो और वो आपको बताए कि टच जो था वो क्या था जी। जो रेशमा जी ने कहा कि घटनाएं तो पहले भी घटती थी, आज घटनाएं सामने सतह पर आ रही हैं, इसलिए लड़कियां बोलने लगी हैं, बच्चे बोलने लगे हैं कि हमारे साथ यह घटना घटी। अभी हाल में हम लोगों ने एक घटना सुनी एक स्कूल के बारे में कि उसके खलासी ने, बस खलासी ने एक बच्चे के साथ क्या किया था, पाँच साल का बच्चा होगा, साढ़े तीन साल का बच्चा था। आप इमेजिन करिए मैंने किस भयावह समाज की ओर हम मूव कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब कि हम सब कुछ रोक दें? भयावहता तो है जी। लेकिन हम मिलने नहीं देंगे इस भय से, कहीं जाए ही नहीं, तब तो पूरी दुनिया सिमट जाएगी ना जी। उसका स्कूल के अलावा दुनिया नहीं होगी। हमको लगता है कि थोड़ा सा बच्चे वोकल हों, इसमें आपके क्या कुछ फिर आते हैं आपके पास? अनंगदेव जी सर, आपके जो अपने एक्सपीरियंस रहे हैं इस दौरान संस्थाओं के साथ काम करने का, फील्ड में घूमने का, आपने एक बहुत अच्छी पुस्तक बनाई है गुड टच एंड बैड टच के बारे में, हमारा शरीर अपने शरीर को जाने, क्या क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, कहाँ से आपको फीडबैक मिला इस तरह का? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सर फॉर ये समय के लिए। कि सुरक्षित स्पर्श और सुरक्षित स्पर्श, जब हम एक माँ एक बच्चे को गले लगाती है, वो जो महसूस करता है वो बच्चे और माँ ही महसूस कर सकते हैं। अगर वो बच्चे के साथ जो कि उसके बाप हो या उसका कोई भी रिश्तेदार उसके गले लगाता है, अगर बच्चे उसमें असुरक्षित महसूस करता है तो उसमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, वो ऐसे हो रही है। जो कि अक्सर हम जब कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, वो अक्सर बच्चे जब बताने का कोशिश करते हैं लेकिन किसको बताएंगे वो मौका ढूंढ रहे हैं। और इसमें वो NCERP का वही डाटा भी कहती है जो कि 94.5% जो कि अब्यूज़ करते हैं बच्चा जिसको भरोसा करता है। इसलिए महसूस किया गया कि पहले बच्चे को ही आवार किया जाए, उसके साथ परिवार को भी इसमें जोड़ा जाए, उसके साथ अभिभावक स्कूल के साथ इसमें जोड़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बुक या एक मैसेज उसमें उसको समाधान नहीं कर सकता है। जब तक एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच हम लोग अगर उसमें शामिल नहीं करते हैं, कि कम्युनिटी बेस्ड ग्राम या घर के स्तर पे अगर हम लोग मुहिम को नहीं जोड़ते हैं, तब तक ये समस्या बढ़ते ही जाएगा और ये समस्या का हम लोग रोक नहीं पाएंगे। चाहे आपको कोई लेजिस्लेशन या पॉक्सो एक्ट या आपका सीवियर पनिशमेंट दिखाने से भी ये रोकने वाला नहीं है, ये मानसिकता नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी किस ढंग से विकसित हो रही है। हम आएंगे उस पर। प्रियंका जी जी, इसी मुद्दे पर आप अपने अनुभव बताइए। देखिए मधुसूदन जी, सबसे पहले तो मैं ये लोगों से अपील करना चाहूँगी कि लोगों को इस बात को इतना ज़्यादा, लड़कियों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करने की आवश्यकता है कि आप अगर नहीं बोलेंगी अपने बारे में तो आपके बारे में कोई नहीं बात करेगा। इसके लिए माताओं को चाहिए कि जब भी किसी तरह की कोई भी बात लेके बच्चे आपके पास आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो अपना लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हो या उसके समझ में आए कि क्या हो रहा है, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस वाली जो बात होती है कि आपको नहीं पता है कि जो बच्ची
किसी को चाचा कह रही है, उसके बारे में वो अपने पिता से, अपनी माता से उसके बारे में कंप्लेन कैसे करेगी? उसके लिए उनके माता पिताओं को उनको भरोसा दिलाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट, वही एक चीज़ है जिसमें बच्चे खुल के सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के सामने आते हैं, तो उनको वो बोलने का मौका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि तुम जो बोलोगी उस पर भरोसा दिलाया जाएगा, उस पर भरोसा किया जाएगा और उस पर एक एक्शन लिया जाएगा। आज हो रहा है जिस तरीके से समाज का विकास हो रहा है, लोगों के पास शिक्षा एक ऐसी उम्मीद जगा रही है कि आज लोग बोलना चाह रहे हैं। जैसा कि कहा मैडम ने, होता पहले भी था, लोग बात नहीं करते थे क्योंकि लोगों पे भरोसा नहीं किया जाता था। आज लड़कियों पे भरोसा कर रहे हैं उनके अपने माता पिता, इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। डेटा अनुपात पे होता है, जैसा अभी आपने खुद भी कहा कि आंकड़े हो सकता है कि वास्तविकता से थोड़े अलग हों, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। जिस तरीके से आज हम बैठे हैं, हमारे सामने लड़कियां बैठी हुई हैं, उसी प्रकार जिस तरीके से हम लड़कियों को भरोसा दिलाते हैं कि आप बोलिएगा आपको आपके बात पे भरोसा किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार हमें अपने मेल चाइल्ड, अपने लड़कों को भी ये बताना होगा कि इस तरीके की चीज़ें अगर घर पे हो रही हैं तो तुम्हें भी सामाजिक तौर पे इस चीज़ के लिए भागीदारी रखनी होगी कि तुम आगे चल के ऐसा कुछ ना करो। सो लड़कियों के साथ साथ हमें लड़कों को भी इसके लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। राजेश जी, अदालत में जाने के पहले आपके पास आप तो पूरा स्टेट संभाल रहे हैं, अपनी जो पढ़ाई लिखाई की उसमें आपके अनुभव क्या रहे हैं और आपको क्या लगता है ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं? नहीं, दो तीन, पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इस विषय को इस मंच के माध्यम से मुखरित करने का प्रयास किया है। जैसा कि रेशमा जी ने बोला, फिर प्रियंका जी ने बोला, फिर हमारी प्रधानाचार्य भी बैठी हैं, आंकड़ों का जहाँ तक प्रश्न है तो ये बात सही है कि कई बार वो वास्तविकताओं को परिलक्षित नहीं करती हैं। दूसरी चीज़, जो समाज हमारा कहाँ जा रहा, आपने कहा कि कहीं ना कहीं विकास में इस तरह की जो है मानसिक विकृतियाँ निहित हो गई हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो हम, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सेक्सुअल अब्यूज़ एक जो है हम टर्म यूज़ करते हैं, सेक्सुअल वायलेंस हम एक टर्म यूज़ करते हैं, हम सेक्सुअल एट्रोसिटी तक भी बात करते हैं, और आजकल बहुत ही डेमोंस्ट्रेटिव सेक्सुअल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों को वीडियो के माध्यम से। सबसे दुखद विषय यह है कि आजकल हम लोग जब भी न्यूज़ ब्राउज करते हैं चैनल्स, आप इस मानसिकता को किस ढंग से परिभाषित करेंगे कि लोग सेक्सुअल वायलेंस का वीडियो बनाने में दे फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। मुद्दा ये नहीं है, सिर्फ वही नहीं है, मैं एक चीज सिर्फ, हाँ नहीं बिल्कुल, इनपुट डाल देता हूँ। हाँ। इनपुट ये है कि आप एक विज्ञापन देखिएगा, कई विज्ञापन इस तरह के आते हैं कि खास तरह का परफ्यूम छींटने के बाद जो स्थिति होती है वो जो है ना, इस तरह के जब विज्ञापन आएंगे तो ये तो चीजों को बढ़ाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि तीन, अब कई चीजों, कई जो है एक ट्रांजिशन फेज में है हम लोग इसको लेके, पार्लियामेंट में जो भी आप हमारे जितने भी सोशल लेजिस्लेशन आए हैं, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी भी कई इस तरह के लेजिस्लेशन आएंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए, जहाँ तक सेंसिटाइजेशन की बात है तो सरकार और समाज अब जो है, बच्चियाँ हैं या फिर एडल्ट्स भी हैं, अब इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, इसको एक अधिकार स्वरूप माना जाता है कि ये उनका जो है व्यक्तिगत डोमेन कहिए या उनकी अपनी व्यक्तिगत मर्यादा है, और जब भी वो चीज़ें वायलेट होती हैं तो हम उसको अब्यूज़ कहते हैं, वायलेंस कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं। तो इस चीज़ को, इस चीज़ के बारे में जो समझ भी है, किसको हम सेक्सुअल अब्यूज़ कहें, क्योंकि देखिए सोशल वैल्यूज़ में जो मैसेज कैरी करता है उसका पेनिट्रेशन यानी उसकी स्वीकारता भी बहुत ज़्यादा होती है समाज में। जैसा कि इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बचपन से ये समझाना चाहिए कि ये काम जो है, इस तरह का कुकृत्य जो है बहुत गंदी चीज़ है, तो जब तक बच्चा इस चीज़ को समझ पाता है तब तक तो बड़ा हो जाता है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, जब तक फैमिली या उसकी मदर इस चीज़ को नहीं समझाती है बचपन से, तो इट शुड बी कम ए फैमिली कैरिकुलम रादर देन स्कूल कैरिकुलम। स्कूल, दूसरी चीज़ यह है कि जिस तरीके के विज्ञापन आ रहे हैं, जैसा आपने कहा और जैसा मोबाइल पे आपने देखा, जो एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हमारी है,
तो इन सब चीज़ों को किसी न किसी रूप में आप कह सकते हैं कि जो विकास की दौड़ है उसमें इन सब इन वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटेक्ट करने में असफल रहे हैं। जी और अभी बहुत सारी जगह घटनाओं की बात की, 3.5 साल, 2 साल, 4 साल आंकड़ा दिया इन्होंने, 64% उन्होंने आंकड़ा दिया, 94%। तो आंकड़ों का क्या है, तो बदलते रहते हैं हमेशा, लेकिन जब तक हमारी सामाजिक एक सोशल कॉन्फिडेंस आना लग असल चाहिए, चीज वही है। सोशल कॉन्फिडेंस इस कॉज को लेकर नहीं आएगा, क्योंकि लेजिस्लेट आई कैन नॉट प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ दिस स्टेट अनटिल और अनलेस सोसाइटी विल नॉट कोऑपरेट। बिल्कुल ये बिल्कुल तो सहभागिता का प्रश्न है। मैं अपने बच्चे की खुद सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता जब तक, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं एक सामाजिक परिवेश में सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उसको स्टेडियम नहीं भेजें, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उसको स्कूल नहीं भेजें, तो भेजना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि हमें इस तरह के दृष्टांत की जो बात होती है, उदाहरण की जो बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ अच्छे कदम भी होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर निकाल कर लाए। लाएं। उदाहरण के लिए अभी कई सारे चैनलों में दिखा रहा था कि RPF के एक व्यक्ति ने एक बच्चे को ट्रेन से कटने से बचाया, एक महिला को बचाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, डूबते हुए बच्चे को गांव वालों ने मिलकर बचाया। तो जहाँ तक जो ये समझ है, इस चीज़ को एक्चुअली हम लोग समयबद्ध ढंग से परिभाषित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कहीं हमारी विफलता रही है कि नई टेक्नोलॉजी है, नया एक यूथ का माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, और हाउ वो इस चीज़ को किस ढंग से लेते हैं। आप इस चीज़ को सेक्सुअल अब्यूज़ परिभाषित करते हैं, वो यूथ परिभाषित करता है कि नहीं करता है, ये भी बहुत आपने देखा होगा कई यूट्यूब पर लोग जिस ढंग से अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं कि वो बच्चे हैं, मुद्दा है कि बच्चे इस चीज़ को देखता है, और वो चीज़ें जितनी आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, और उस पर बच्चों का एक सोशल ओपिनियन जो फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे हम लोग उसमें हम लोग इंटरवीन जो कर। न्यूज़ चैनल खोलते हैं, आपको क्या नाम है इस पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट प्रिंट हो, जी। मोबाइल पे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे के हाथ में जब मोबाइल जाएगा तो गेम खेलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चीज ऐसे है। ही उसको पता चल जाएगा, और इस तरह के विज्ञापन आएंगे। अब थोड़ा सा सोनम जी से बात करते हैं, आपकी अदालत में है, आप बताइए कुल मिला करके आप अपने अनुभव के आधार पर, आपने जो पढ़ाई लिखाई की, आपके यहाँ जो मामले आते हैं और अभी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या लगता है, सिर्फ चीज़ें सतह पर आ रही हैं इसलिए कि बच्चियाँ बोलने लगी हैं, या घटनाएं बढ़ी हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और अधिकारों, समानता का अधिकार, अधिकारों पर चर्चा करने से पूर्व मैं भारतीय संविधान की अनुच्छेद 51A(ई) के विषय में आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद हर नागरिक पर एक ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज करता है जिसमें कि आपसे सभी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस विच आर अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वेमेन को छोड़ने का अनुरोध किया गया है। ये हर नागरिक की एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको वो सभी प्रैक्टिसेस जो कि अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वेमेन है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और सेकंड चीज़ कि जैसा कि यहाँ पर सभी ने चर्चा की है कि मेरा ये मानना है कि सरकार और बाकी आपके जितने भी सरकारी और गैर सरकारी विभाग हैं या फिर कानून है या न्यायालय है, उससे पहले सबसे पहला जो कर्तव्य है वो एक परिवार का होता है। जैसे कि जब भी लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, इस तरह का अंकुश आपने देखा होगा कि हम परिवार में हम देखते हैं कि हमारे परिवार में लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए बोला जाता है कि नहीं, इन पे नहीं इन्वेस्ट करना है, लड़कों पे करना है, बिकॉज दीज लड़कियाँ विमेन आर टेम्परेरी, दे आर लाइक वाटर थ्रोन आउट ऑफ दी हाउस। और एक चीज़ और मैं सभी को एक अंतर के बारे में बताना चाहूँगी कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टेरियोटाइप प्लस एंड फैक्ट। सी, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अलग हैं फिजिकल रूप से, बट वैसे वो दोनों बराबर हैं।
आई अग्री, ये फैक्ट है कि लड़कियों का फिजिकल स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली टू बॉयज़ थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो लोग लड़कियाँ इमोशनल होती है, केयर टेकिंग थोड़ा केयरिंग होती है, बट और उसी के जगह पे जो मेल है उनका फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग होता है। बट ये कहना कि जैसे कि खेल है केवल लड़के ही खेल में आगे जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ये हमारी एक ऐसी रूढ़िबद्धता सोच है जो कि समाज में इस तरह का मैसेज देती है कि जो कि समाज में लड़का और लड़की में अंतर करती है, ये लड़कियां कर सकती हैं ये लड़कियां नहीं कर सकती हैं। जो डिसलाइक्स और डिसलाइक्स हैं विमेन और मेन की, वी शुड रिस्पेक्ट, देर आर सम सेंसिटिविटी विच आर गॉड गिफ्टेड और हमको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उन दोनों को बराबरी का मौका ना दें उन दोनों को। और सबसे बड़ी चीज़ जैसा कि मैम ने कहा कि एजुकेशन, इट इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट, हर लड़की को हर लड़के को हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, और जिसके बिना आप एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जैसा कि बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी कैन बी मेजर बाय द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, आपकी वुमेन सोसाइटी में कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समाज कितना स्वस्थ है, समाज में कितनी प्रोग्रेस है। नहीं, समाज तो इतना आगे बढ़ गया कि लड़कियां जिसको कि हम बहुत नाजुक समझते हैं वो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। समाज इतना आगे बढ़ गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर मिलिट्री तक में लड़कियां आ गई हैं। और आज ही देखा आपने सर्वोच्च न्यायालय में तीन महिला ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ, और कहीं भी लड़कों से किसी मामले में कम नहीं। किसी जमाने में किरण बेदी जब पहली बार आईपीएस बनी थी तो बहुत हल्ला हुआ कि लड़की चली गई आईपीएस। लेकिन मेरा मानना है कि जो सेक्सुअल अब्यूज का जो पर्सपेक्टिव है उसमें ये प्रश्न ये नहीं है कि आप कोई कम है और कोई ज्यादा है। वहां मैं आ रहा हूं, वही आ रहा हूं। लेकिन जिस सवाल को हम लोग चर्चा के लिए बैठे हुए हैं वो सवाल ये है कि ये जो लैंगिक हिंसा जो है और अपनों से भरोसा जो है, जी सर, जैसे कि सर ने कहा ये लैंगिक हिंसा पे हम इस बात को इसीलिए यहाँ पर चर्चा किए कि ये एक ऐसी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, जो परिवार की ऐसी सोच है, लड़कियों में एक ऐसी कहीं ना कहीं एक ऐसी हीन भावना को जन्म देती है जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम मार्केट में नहीं जा सकते हैं, या हम ओपनली हम ये नहीं कर सकते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस लो होता है दैट अफेक्ट्स देयर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। कुछ ऐसा होता है तो वो अंदर ही अंदर उसको सोचती है, उनको एक तरह से हम स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे। हमको लगता है यहाँ पर मुद्दा हमारा एड्रेस नहीं हो रहा। थोड़ा सा बता लीजिए थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों से बात किया जाए, उनकी जो बातें आए तब हम लोग बात करेंगे। कहिए। इसमें ये बात करना चाहूँगा कि अभी अक्सर हम लोग का दिमाग में बैठा हुआ है कि यौन अपराध या वन शोषण जो सिर्फ लड़कियों के पे होती है, एक गलत धारणा है कि सिर्फ अपना ही बच्चों के लिए कहा। बच्चे जोड़ा हमने लड़कियों के लिए सिर्फ नहीं कहा, हमने कहा बच्चे लड़के भी लड़कियां। हमारे वो जो सामाजिक रूप से हम लोग का वही गलत धारणा बैठा हुआ है सिर्फ लड़कियों पे ज्यादा होती है, लड़का पे नहीं होती है। उसके साथ साथ इसका जो मूल कारण जो वही होता है कि दो कारण है। पहला तो बच्चे के रूप में जब उसका जो शारीरिक रूप से बढ़ती है, वो शारीरिक वृद्धि होती है, उसमें अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है कौन से समय में क्या करना है नहीं करना है। और दूसरी बात ये होती कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसको इमिटेट करने में हम लोग ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। और जो परिवार में जो वार्ता होनी चाहिए वो वार्ता कम होते जा रही है। हम जो काम करते हैं कि सोचते हैं कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा उसमें ज़्यादातर 90% समय उसमें बिताते हैं, लेकिन हमारा समय बच्चे के साथ हम लोग कितना समय दे पा रहे हैं। बच्चे ट्यूशन जा रहा है या स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रही है, कहीं जा रही है, उसका जो निगरानी होनी है, उससे बात करना है या संवाद करना है, वो कम होते जा रही है। हम लोग छोड़ देते हैं कि टेक्नोलॉजी पे छोड़ देते हैं, आप कंप्यूटर में पढ़ लो, आप मोबाइल में पढ़ लो, आप उसमें पढ़ लो, लेकिन वो सारे उससे मैं यही सवाल छोड़ के जाने वाला था और अभी भी यही सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि हम संयुक्त परिवार से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से कैप्सूल, मैंने अब तो मियाँ बीवी ही हैं, एक बच्चा हो गया गलती से तो आने वाले दिनों में शायद बच्चा होगा भी कि नहीं होगा, खुदा जाने, जो स्त्रियाँ बनती जा रही हैं,
तो वो जो परिवार है वह परिवार अपने स्टेटस के हिसाब से कितना वेतन कमाता है, किस स्टैंडर्ड में है, उसके हिसाब से बच्चों से मिलना, वहीं जाना है, उसी के यहाँ जाना है, उसी के साथ खेलना है। और चूंकि दोनों माँ बाप जिंदगी की गाड़ी चलाने के नाम पर, हवाई जहाज चलाने के लिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ढेर सारा पैसा कमाने में यह बात गायब हो जाती है कि बच्चे से भी बात करनी है। बच्चा अगर रो रहा है चलो ये मोबाइल ले लो इसमें गेम खेल लो, बच्चा अगर रो रहा है तो पैसा ले लो कल चॉकलेट खा लेना, बच्चा अगर रो रहा है चल तुम्हारे लिए ये खिलौना मॉल चलते हैं ले चल के खिलौना, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ बात कहने की बात है, वो कहना चाहता है, कहना चाहती है, यह बात हम सोचते ही नहीं। जिस तरह से हमारा शरीर बोलता है, हमको बताता है कि हमको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक होने का कारण हमको भी पता चलता है कि रात में जग गए थे इसलिए हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया इसलिए हेडेक हो रहा है, ठंड लग गई, हमको भी पता चलता है। तो वो हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, बच्चा भी अपने को शेयर करना चाहता है, स्कूल में हम क्या पढ़ के आए, क्या नहीं पढ़ कर के आए, टीचर ने क्या बिहेव किया, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं साथ साथी जो हैं उन्होंने क्या बिहेव किया, कंडक्टर ने बस ड्राइवर ने कैसे भी, ये सारी बातें वो बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है उनको सुनने का समय नहीं। ये एक अच्छी बात रेशमा जी ने कहा कि लोग लड़कियां लड़के सब बोलना शुरू किए हैं, एक अच्छी बात है, हम इन्हीं से बोलवाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, बच्चियों से माइक लाइए, फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं। इस सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे, परिवार जो न्यूक्लियस बनता जा रहा है उस मामले दीजिए, जो जो मांगे उनको दे दीजिए। कौन लेगी माइक, कौन बोलेंगी, समय नहीं है, हाँ दे दीजिए दीजिए उनको, आप बैठे रहिए। हाँ बताइए, नाम बताइए, कहाँ से हैं। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी, आप सभी लोगों को, जो मुझे यहाँ बोलने का एक शुभ अवसर मिल रहा है। और मेरा नाम नीतू गुप्ता, ओबीसी गर्ल्स हाई स्कूल इस्टियल रोड रांची से हूँ। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं, कुछ जानना पूछना चाहते हैं, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं वो आज मॉडर्न दुनिया में, आज के फैशन दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले भी था बट आज इस मॉडर्न दुनिया में खास करके जो रूरल एरिया होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अर्बन एरिया के अपेक्षा। तो रूरल एरिया में कुछ तो कमी होगा जिसके कारण ये क्राइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दूसरे को दीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेस रेजिडेंशियल गर्ल्स हाई स्कूल से है। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हम लोग पे जो ये यौन शोषण होता है तो हम लोग किस पे भरोसा करें कि कौन हम लोगों के ऊपर नहीं करेगा। हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तो किस पे भरोसा करें कि जो हम लोग को नहीं करेगा। नेक्स्ट। मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं ओबीसी गर्ल्स हाई स्कूल इस्टर्न रोड रांची से। मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसा जो लैंगिक वाला जो उत्पीड़न होता है या यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, वो ज़्यादातर गांव में होता है। और गांव में कुछ कुछ बच्चे आजकल तो ऐसे शिक्षा का माहौल बढ़ रहा है लेकिन कुछ कुछ बच्चे अशिक्षित रह गए, मतलब जागरूक नहीं हो पाती है, या माता पिता या किसी जो मतलब जिसे बताने में वो कंफर्ट नहीं होती है वो नहीं बोल पाती है और वैसे दब कर रह जाती है, और उसके साथ बहुत कोई ऐसे करते हैं लेकिन वो नहीं बोल पाती, तो ये कैसे कम। मेरा नाम रितु कुमारी, मैं ओबीसी गर्ल्स हाई स्कूल इस्टेलर रांची से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे कभी बाहर चल जाते हैं शाम शाम को कहीं घूमने बाजार हो जाए तो शाम को हम लोग इस चीज़ का डर बना रहता है कि हम लोग के पीछे कोई पीछा कर रहा है या फिर हम लोग कोई बहुत देर से कहीं पे नज़र गड़ाए हुए हैं, तो हम लोग अकेले भी चल जाते हैं कभी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ तो हम लोग बता नहीं पाते हैं कि ऐसा हो रहा है, यदि मम्मी पापा के साथ भी जाएँ तो बता नहीं पाते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। तो क्यों नहीं बता पाते हैं, ये क्यों हम जानना चाहते हैं, क्या लगता है कि मम्मी पापा गुस्सा जाएंगे या कुछ झगड़ा हो जाएगा, क्या डर क्या रहता है। मैंने वो इस ढंग का डायलॉग नहीं है मम्मी पापा के साथ कि हम बताएं, या डर लगता है कि अगर मम्मी पापा को बताएंगे तो मम्मी पापा मारपीट करने लगे उस आदमी के साथ जो आदमी, ये डर लगता है ना। ये भी डर होता है कि माँ बाप भरोसा करेंगे इन पे या नहीं। नेक्स्ट पीछे। लाइक आई सेड, यस, मेरा नाम आसियाना कच्चप है और हम बड़ा मेरा नाम आसियाना कच्चप है हम कल्डू क्लस्टर से आए हैं
जे एम जी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मम्मी पापा घर में नहीं रहते, वो काम करने चल जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स तो दूसरे के भरोसे में हमें छोड़ के जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स दूसरे के भरोसे में छोड़ के जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमारी हेल्प करेंगे, पर हम ये नहीं जानते कि उसके मन में हमारे, ये नहीं जानते उसके मन में हमारे लिए क्या क्या मतलब क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि हम कैसे पता करेंगे कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। गुड आफ्टरनून सभी लोगों, मेरा नाम प्रिया तिर्की है और मैं सेंट जेवियर कॉलेज रांची से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर मेरी किसी दोस्त के साथ ऐसी घटना होती है कि लड़के उन्हें बहुत देर से घूर रहे हैं या कुछ उन पे कमेंट पास कर रहे हैं, तो वो मुझे बताती है, अपने मम्मी पापा के अपने मम्मी पापा को नहीं बताती है, तो अगर मैं बोलती हूँ परिवार में बताओ, तो वो ऐसा बोलती है कि मम्मी बोलती है कि इग्नोर करो। तो मेरा सवाल ये है कि इसे इग्नोर करना ठीक है या आवाज़ उठा के फिर कुछ लड़ाई का डर रहता है उन्हें, मेरा यही सवाल है। नेक्स्ट। मेरा नाम रितिका तिर्की है और मैं जे एम जी हाई स्कूल से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे समाज में होते हैं वो लड़कियों को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं कि अगर वो कुछ गलत ढंग के कपड़े पहनते हैं तो उस पर कमेंट करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, किस लिए, क्यों वो क्यों नहीं पहन सकते वो कपड़े, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्यों नहीं पहन सकते। कोई लड़का बोलेगा क्या, आप में से कोई बोलेगा क्या इस पर, आप लोग क्या फील करते हैं लड़कियों के बारे में, दीजिए तो उधर माइक दीजिए लड़कों की तरफ। मेरा नाम पंकज कच्छप है और हम बड़ा घाघरा से आए हैं। हम तो ये फील करते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है जी। अब वो जो कपड़े पहनते हैं हम लोग तो नहीं बोलते हैं, मतलब मैं भी तो नहीं बोलता हूँ कि वो जो भी कपड़े पहन रहे वो ये है गलत है, वो सब सही है, क्योंकि उनको मन की नज़र से देखना चाहिए, ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो ऐसे कपड़े पहन रही तो ऐसे दिख रही है। मन की नजर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे भाई, उनको भी खोजना पड़ेगा। लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है ना? हाँ सर। लेकिन लड़कियों को उत्प्रेरित करना अच्छा लगता है? हाँ। नहीं। आप लोगों को लड़कों से बात करना अच्छा लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वो अगर ये करे, टीज करे तब अच्छा लगता है, गुस्सा आता है ना, तो उसी समय दो फैट लगाइए, सबसे बढ़िया रास्ता वही है। चलिए नेक्स्ट, और कोई? चलिए नहीं बोलेंगे तो हम लोग इधर आते हैं। कोई कोई है जो अपनी बात कहना चाहता है? नहीं। हाँ चलिए। हाँ राजेश जी, आपने उनकी बातें सुनी, मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा, उसमें एडमिशन को लेकर के आऊँगा, लेकिन पहले इन लोगों से बात करते हैं। रेशमा जी, जैसे कि बच्चों ने कहा कि बहुत बार उनको डर लगता है, सही बात है कि हम लोग अपने बच्चों को, एक तो इनके पास आंकड़े गलत हैं, गांव और शहर में, गांव में ज्यादा है ये आंकड़े गलत है, शहर में ज्यादा है, नहीं हर जगह है, हम गांव और शहर के हिसाब से फर्क शायद नहीं कर सकते हैं अभी के वर्तमान स्थिति में। बात यह है कि लड़कियां बहुत डर जाती हैं बताने में, क्योंकि हमने लड़कियों को बड़ा ही इस तरीके से किया है कि तुमको किस तरीके से चलना है, अगर लड़के भी डर जाते हैं जी, इस मामले में सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में, बच्चे भी नहीं बोलते हैं दोनों को, कोई बच्चा जो पीड़ा में अगर नहीं आता, हिंदपीड़ी वाला जो बच्चा था, अगर बहुत पीड़ित नहीं होता तब तक वो चुप था, बर्दाश्त कर रहा था। बिल्कुल, तो हम लोगों का सही बात है कि हम बच्चों के बीच में और परिवार के बीच में एक डायलॉग तो नहीं के बराबर है, खास करके यौनिक हिंसा जैसे मामलों में, किसी ने थप्पड़ लगा दिया तो शायद बोल भी देंगे, लेकिन हमारे प्राइवेट पार्ट जो कि हम जानते हैं अपने स्कूलों में, शायद हमने पढ़ा होगा, प्राइवेट पार्ट को कोई छू दिया या गलती से भी छू कर चला गया तो हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो मेरा आज के डिस्कशन में ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि आप देख रहे होंगे 1098 करके एक नंबर हर जगह लिखा हुआ है, आप उसमें भी बता सकते हो कि किसी टीचर ने, किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की जो आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और जैसा कि पहले बताया गया, पॉक्सो जो कानून है 2012 में आया है, वो कहता है कि 18 साल से लड़का या लड़की कम जो भी बच्चे होंगे उनके साथ घटना होगी तो वो शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा जेवीएस कॉलेज में है, ठीक है, तो जेवीएस कॉलेज में एक कमेटी है आपके यहाँ
जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज में आप किसी से भी पूछें, प्रोफेसर से या किसी अपने HOD से, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक यूनिट है, एक कमिटी है जिसमें कि अगर कोई बच्चा आपको सेक्सुअली, कोई भी आपका मतलब बैचमेट है, क्लासमेट है, कोई भी है जिसने ऐसी हरकत की जिससे कि आपको आपत्तिजनक लगा, तो आप उस कमिटी को भी कंप्लेन कर सकती हैं अगर आपको लगता है कि हम थाना पुलिस तक नहीं जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मतलब टीचर्स हमारे साथ हैं, टीचर्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो ऐसी माहौल क्रिएट करें कि उनके साथ अगर घर में भी, हम नहीं कह सकते कि पिताजी किसी बच्चे के साथ सेक्स करें, एक रास्ता निकल सकता है क्या? मैं आ रहा हूँ, एक रास्ता निकल सकता है क्या कि डायलॉग हो बच्चों के साथ टीचर एडमिनिस्ट्रेशन का, एक तो ऐसा बना रहता है माहौल कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो बात करने की गुंजाइश ही नहीं है, जा सकते हैं तो बच्चों के डायलॉग करने की गुंजाइश, 6 घंटे जो बच्चे गुजारते हैं, जो भी 200 दिन आपके यहाँ गुजारते हैं, वहां आने जाने और वहां होने, वहां ज्यादा आशंका रहती है इस तरह घटना हो, और घर में अगर नहीं बोल पाए तो आपके साथ शेयर करें। जी। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, गोविंद बता, तो आपने बताया, आपने बताया कि पिता कौन है, माता कौन है जी। भगवान कौन है, शासन कौन है, तो आपसे वो डायरेक्ट कर शेयर करें। हम भगवान से शेयर करने जाते हैं, जिसका भगवान है वो शेयर करता है, क्रिश्चियनिटी में वो ये क्या कन्फेस करता है वहाँ जा करके, तो वो बच्चे आए आपके साथ बात करें, ऐसा कोई माहौल क्रिएट करने का कोई रास्ता हो सकता है जी। बिल्कुल, मैं कंटिन्यू कर लूँ, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि पॉक्सो जो कानून भी आया उसमें ये माइंडेटरी रखा गया है कि आप अगर अपनी टीचर को भी शिकायत करते हो तो टीचर आपकी मदद करेगी कि आप पुलिस को जा करके शिकायत करो, ठीक है? तो वो सही बात है सर ने जैसा कहा कि टीचर को वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर बच्चे के साथ कोई घटना घटती है और बच्चा अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है जो नॉर्मल बिहेव में वो नहीं दिखता था, तो टीचर को भी पूछना है कि बच्चे आपका व्यवहार में बदलाव कैसे आया। कोमल करके एक बहुत अच्छी फिल्म है, चाइल्ड लाइन की ही है, मुझे लगता है कि हर स्कूल को अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि कोमल कैसे पता चलता है कि उसके अंकल उसके साथ सेक्सुअली हरास करते थे और वो फिर बाहर केस निकलता है। तो हम लोगों को सब लोग ये समझ रहे हैं कि अभी की मांग है कि हम इन मुद्दों पे चर्चा करें, लेकिन हर कोई छुप छुप कर बात कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक चर्चा भी हो जी। चर्चा आ रहे हैं आपके, आप तो अदालत में बाद में आएंगे, है ना, वकीलों के बहस करने के बाद। जी प्रियंका जी, संबंध में मेरा अपना व्यू मैं देना चाहती जी, हूं जी। कि जैसा कि हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें एक डिजास्टर भी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोगों को जो भी डिजास्टर आते हैं उसमें हम लोगों को 3 तरह के पॉइंट्स बताए जाते हैं कि कोई भी डिजास्टर आते हैं तो उसके पहले पूर्व तैयारी होनी चाहिए, फिर आपदा के दौरान क्या होना चाहिए और उसके बाद हम क्या उनको उसको उपाय कर सकते हैं। तो इस संबंध में मेरा एक विचार है कि हम इस तरह की घटना को क्यों आने दें, पहला क्यों आने दें और ये क्यों आ रहा है। इसके लिए जैसा हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत तरह के अभियान, हम जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से बहुत तरह के अभियान चलाए गए हैं, योजनाएँ चलाई गई हैं और उसके तहत उसको पूरे भारतवर्ष में हम लोग देखें कि एकदम जमीन से लेकर के उसको पूरा इंडिया लेवल तक उसको मतलब पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग करंट में ही देखें रुबेला, या फिर हम लोग देखें स्वच्छता अभियान, तो इसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमें अपने मोहल्ले को, अपने आस पास को, अपने हर क्षेत्र को साफ सफाई से रखना है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा हम लोग अभियान के रूप में, वही अभियान में तो हम आए हैं प्रियंका जी, वही अभियान के बाद जी प्रियंका जी, जैसा रेशमा जी कह रही थी मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी। दो चीज़ें होती हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, जितनी भी लड़कियों ने अभी बात करी हमारे साथ सब में एक दो चीज़ बहुत कॉमन है अगर हम लोग रीड बिटवीन द लाइन कर पाए, एक है सामाजिक डर और दूसरा है सामाजिक शर्म। ये शर्म और डर समाज के साथ साथ उसी समाज में रहने वाले हमारे अपने पारिवारिक सदस्यों से भी हम रखते हैं। इसके लिए हम सरकार से, आई एम सॉरी बट सरकार से हम ये उम्मीद लगाएं कि एक
वो मुहिम के तहत इसको लेके आए कभी नहीं हो पाएगा। सरकार तो चला ही रही है मुहिम, सरकार तो बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम करने से कुछ होने जाना नहीं है, जो काम कर रहा है सोसाइटी करना है। इसके लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, और उसके लिए भी सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी है। ये शर्म आपके अंदर से मैं या आपके माता पिता आके नहीं हटा सकते हैं। ये झिझक अगर आपकी दोस्त आपको आके कह रही है और वो अपने माता पिता से नहीं कह पा रही है, ये आप उसके अंदर से नहीं हटा सकती हैं। उसके लिए उसको विश्वास दिलाइए कि तुम अपनी बात कहो, एक व्यक्ति के सामने नहीं तुम 10 व्यक्तियों के सामने कहो, कम से कम उसमें से एक व्यक्ति तो तुम्हारी बात सुनेगा। ये मत शर्माओ कि अगर मेरे साथ ही हो रहा है तो ओ मैं कमजोर हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है। मेरे का जी सवाल नहीं है। उसमें जो कमन जो आप लेकिन 1000 पेज का ये जजमेंट लिख सकती हैं सोनम जी, ये है, लेकिन वकीलों को सुनना तो पड़ेगा। आप सुनिए तो इनकी। दो तीन बात मैं कहना चाहूंगा। जब बच्चे क्वेश्चन पूछे तो बोले कि वो किसको बताएंगे, और जिसको भरोसा करते हैं वही करते हैं। प्लस उसमें और एक बात आई कि ये कंटिन्यूस हो रहा है और गांव में सिर्फ हो रहा है। इसमें पहला सवाल उसमें रहेगा कि इसमें हमारा यह भ्रम है सिर्फ गरीब बच्चे के साथ हो रहा है या धनी बच्चे के साथ हो रहा है या सिर्फ गांव में ही होता है। ये कमन धनी गरीब लड़का लड़की शहर सभी जगह में होता है। और सबसे ज़्यादा हमारा परिवार में एक गलत कहते हैं कि अगर कोई भी घटना बच्चे के साथ होती है तुरंत हम लोग क्या दोषी ठहराते हैं बच्चे को। यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ दोषी ठहराते हैं बच्चे को, जिसके चलते बच्चे आप बताना डरते हैं कि मैं अगर बता दूंगी या बता दूंगा तो मेरे ऊपर मार पड़ेगी, मेरे ऊपर स्कूल जाना बंद कर देंगे, कॉलेज जाना बंद कर देंगे। वो एक डर रहता है जिसके चलते वो बता नहीं पा रही है। तो इसलिए हमेशा परिवार को या गार्जियन को हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चा उसमें गलत नहीं है, बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है, ये हमेशा याद रखना जरूरी है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, थर्ड राउंड के लिए रख लेते हैं, थर्ड राउंड के लिए रख लेते हैं, तीसरे राउंड में हम आते हैं। राजेश जी, अभी जो आपने सुना आपकी प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, सबने बहुत अच्छी चीज़ कही है, और मैं इनके प्रश्न सुन रहा था एक एक करके। तो एक बच्ची ने कहा कि हम किसको बताएं जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण आज यही है। हाँ, दूसरा उन्होंने कहा कि हम बाजार जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कोई हमें घूर रहा है, घूर रहा है, तो हम ये चीज़ जो है, तो फिर आपने जो है उसका सलूशन भी दिया कि उसे, और फिर तरह तरह की चिंताएँ थी इन लोगों की। तो इसका निचोड़ यही है सारे, ये देखिए एक्ट है, प्रावधान है, या फिर बहुत ही जैसे प्रियंका जी ने कहा कि सामाजिक जो है शर्म है या फिर भय है, सारी चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, मैं इसको दूसरे ढंग से रखना चाहता हूँ। जहाँ नहीं हो रहा वहाँ क्यों नहीं हो रहा, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत क्या है कि हम सभी लोगों ने बैठ के यहाँ एक बहुत ही नकारात्मक परिवेश बना दिया है कि नहीं ये तो इट इज़ टिकिंग लाइक ए वॉच एवरीवेयर एंड एवरीबॉडी इज एक्चुअली रनिंग फॉर दैट। ऐसा नहीं है। हम लोग पहले ये भी देखें कि जहाँ नहीं हो रहा है जी। अगर आंकड़े 64% है तो आप मानिए कि 36% नहीं है जी। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें पहले उस परिवेश का विश्लेषण करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, और उस चीज़ को हम जहाँ ये घटनाएँ घट रही हैं वहाँ पे उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़ तो मैं हमेशा सकारात्मक दृष्टि से चीज़ों को लेता हूँ। जहाँ हो रही है ये ऑब्वियसली या जो हमारे एक्ट हैं, प्रावधान है, वो बिल्कुल आवश्यक है और वो होने चाहिए ताकि ऐसा हो पाएगा, ये इसका रोकथाम हो पाएगा। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि देखिए अपराध कैसे रुक सकते हैं। आप एक चीज़ समझिए, विश्नोई जी इसको बहुत ज़्यादा समझ पाएंगी जी। पहले हमारी जो सामाजिक संरचना थी और उसमें जितना भी नियंत्रण था वो हमारा पाप के स्वरूप में था। पाप का तात्पर्य होता है कि सोचना भी पाप है। तो जो व्यक्ति का जो आपराधिक प्रवृत्ति होती थी, आप उसको सोचने के स्तर पे ही नियंत्रित थी। और दूसरा होता है अपराध, जो एक्शन पार्ट, जिसको हम अब कर देते हैं और उसके बाद उसकी सजा मिलती है, धरपकड़ होती हुई नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जब हम उस मानसिक अवस्था की बात करते हैं जिसमें
इस तरह के कुकृत्य को पाप जगन अपराध माना गया है, पाप माना गया है, तो उन वैल्यूज को रिवाइव करना पड़ेगा। कैसे रिवाइव होगा? एक तरफ विज्ञान जो आ रहा है, हाँ हाँ, तो ये भगवान को नकार रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भगवान कहाँ से लौटा? हाँ नहीं, यहाँ पे यही है कि ये हमारे लिए एक सामाजिक सीख है, विज्ञान की अपनी क्षमताएं। एक और जो है ना, ज्वाइंट परिवार, कैप्सूल परिवार, न्यूक्लियस परिवार, ये जो है इसमें अगर चेंज नहीं होता है, अगर न्यूक्लियस भी है कैप्सूल भी है, तो वो बात तो करें ना अपने बच्चे से इतना समय। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही, नहीं नहीं, आप जो माता पिता जिस उनका भी मानसिक परिवेश समझिए ना, जो माँ बात कर रही है, जो पिता बात कर रहा है उससे, वो उनका भी मानसिक परिवेश प्रभावित है। वो हम समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा बात करेंगे ना अपने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डायलॉग जो प्यार करता है मोबाइल देने के बदले, थोड़ा सा समय तो निकाले, 5 मिनट 10 मिनट। नहीं, ये तो बहुत बड़ी खामी है, इसको तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि अंत में अपनी मदद हम सभी को खुद करना पड़ता है। अगर आप ये कह रही हैं कि, और इन्होंने कहा कि भाई दोनों को एक एक फाइट मारो, तो आप हंसने लगे, जबकि ये बहुत सीरियस बात थी कि अगर आपको कोई स्टॉकिंग कर रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं जिस विश्वविद्यालय में था, वहाँ नियम था कि आप एक लड़की को लगातार इतने सेकंड के बाद तक नहीं देख सकते। अगर इससे ज़्यादा देखा आपने तो आप पर एक मतलब कार्रवाई हो सकती है। 30 सेकंड सर। हाँ, कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुद्दा है कि क्या इस तरह के जो कानून है हमारे, यही चीज़ें सिर्फ रोक पाएंगे इस चीज़ को? ये तो हम नहीं कह सकते। जब तक आपका जब तक आप स्वयं सशक्त नहीं होंगी, स्वयं मजबूती से अपनी बात को नहीं रखेंगी, और ये दुर्भाग्य है जो आपने कहा कि हम किसको बताएं, ये हमारा एक, ये हमारी सामाजिक विफलता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है बताने के लिए। और इस आपके इस वाक्य में बहुत ही दम था, मुझे लगता है कि बहुत सार गर्वित ढंग से आपने चीज़ों को रखा, और ये बहुत ज्वलनशील भी है। सोनम जी, देखिए मैं थोड़ा कानून पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि जैसा कि पूजा एक चीज आप ऐड कर सकती हैं, अगर कुछ ऐसा होता तो डीएलए से क्या उसमें बुलबुल साहब भूमिका क्या निभा सकता है? देखिए जैसे कि पूजा ने सवाल किया था कि यौन उत्पीड़न के बारे में और किसको बताएं, जैसा राजेश सर बोले मैं उनसे पूरा सहमत हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कि दिशा निर्देश सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को दिए गए थे। तो आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि हर सरकारी, गैर सरकारी और सभी संस्थानों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो वहाँ पर जितनी भी नियमावली है उन सभी में महिला उत्पीड़न के विषय में प्रकाशित करें। दूसरी चीज़, जैसा कि पूजा का सवाल था कि हम किसको बताएं, तो फर्स्ट थिंग तो यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस। पहला चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि आत्मविश्वास, अपने में विश्वास रखना। आपने देखा होगा कि आपने यू मस्ट हैव हर्ड टू टर्म्स, सॉफ्ट टारगेट, ईजी टारगेट। इट्स नॉट हर टाइम, ये ज़रूरी नहीं होता कि यू शुड हैव दैट मच फिजिकल पावर टू रिवर्ट बैक, बट द कॉन्फिडेंस जो आप कैरी करती है इन योर आईज एंड इन योर बॉडी, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि महात्मा गांधी वॉज अ थिन पर्सन, बट उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो कोई बॉडी बिल्डर या वो नहीं थे, बट हाँ उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। सो दैट मीन्स कि जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, वो हमें आज यहाँ ले आया। सो और दूसरी चीज़ कि सभी जो कि वर्किंग महिलाएं हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि ये मैंडेटरी है संस्थानों के लिए कि वहाँ पे एक महिला उत्पीड़न की समिति का गठन किया जाए। मैं कंक्लूड इसमें वही करना चाह रहा हूँ कि किसको बताएं, हमेशा याद रखना, एक 5 सुरक्षा कवच के रूप में आप याद रखें कि 5 सुरक्षा कवच में एक दादा या नानी या आपका टीचर हो या आपका परिवार में कोई भी सदस्य हो, एक 5 आदमी का आप हमेशा याद रखें कि ये हमारा सबसे भरोसेमंद आदमी है, मैं उनसे अगर बताऊंगी या बताऊंगा वे मेरे से मदद करेंगे। दूसरी ये याद रखना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको असहज महसूस हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो 3 चीज़ उसमें याद रखना कि पहला, अगर असहज महसूस हो रहा है तो तुरंत उसमें बोलना नहीं, जोर से चिल्ला के बोलना नहीं। और दूसरी बात करना है, उस जगह से आपको भाग जाना है। और तीसरा काम करना है, जिस व्यक्ति को आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं
उस व्यक्ति को आपको बताना है। एक और जो तीसरी सबसे बात ज्यादा है, तीसरी बात है कि ये सब बताने के बाद भी कहाँ रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए भी तीन माध्यम आपको बताऊंगा। एक 1099 हमेशा याद रखना, दूसरा है आपके NCPCR का पोक्सो ई बॉक्स है, ऑनलाइन में भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, और आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर आपको जरूर दर्ज कराए। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि चुप्पी तोड़ो, बोलो, बोलना होगा, बिना बोले बात नहीं बनती है। बोलते हुए यहाँ पहुंचे हैं, बोलते हुए पढ़ते हैं, और बोलने के लिए पढ़ते हैं, बोलने के लिए समाज में होते कि हम बोले, हमारे साथ जो भी हो रहा है वो बोले, चुप्पी नहीं टूटेगी, बात नहीं बनेगी। और एक माता पिता भाई बहन सबसे कि अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भतीजे के साथ, भतीजे के साथ बात तो करिए ना, पूछिए तो स्कूल में क्या हुआ, सफर में क्या हुआ, कैसे हुआ। इतना भर पूछेंगे तो हमको लगता है कि समाज की भूमिका बढ़ेगी। अब हम कैप्सूल और वो क्या नाम है, न्यूक्लियस परिवार को कैसे ले आएंगे, ज्वाइंट परिवार, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप बात करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, थैंक यू।